हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ सुनीता। वेलकम टू माय चैनल साई किचन। तो फ्रेंड्स, भिंडी तो आपने हजारों बार बनाई होगी और कई तरीकों से बनाई होगी, लेकिन मैं गारंटी देती हूँ कि आज से पहले आपने ऐसी रेसिपी कहीं नहीं देखी होगी और ना ही कभी खाई होगी। ये भिंडी की सब्जी इतनी लाजवाब और इतनी नई रेसिपी है कि आप इसे ज़रूर बनाएंगे और अगर मेहमान को देंगे ना तो वो उंगलियाँ चाट कर खाएंगे और साथ ही रेसिपी भी आपसे ज़रूर पूछेंगे। तो पूरी वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। मैंने 250 ग्राम भिंडी को धो के अच्छे से और ऐसे बड़े बड़े पीस में काट लिया है और इसके अंदर मैं डालूंगी अब 1 चम्मच बेसन, ज्यादा नहीं डालना है। और इसको इस तरीके से हम टॉस करके मिला लेंगे। एक पतली सी लेयर बस इसके ऊपर आनी चाहिए। इसे होगा क्या कि बेसन डालने से हमारी जो भिंडी का चिपचिपापन है वो चला जाएगा और साथ में भिंडी हमारी क्रिस्प बनेगी। अब हम बनाएंगे भिंडी के लिए एक अमेजिंग सा मसाला। इसके लिए मैं 1 चम्मच मूंगफली के दाने को रोस्ट करूंगी। इसमें हमें तेल वगैरह कुछ नहीं डालना है। अब इसमें डालूंगी मैं थोड़ा सा नारियल। आप चाहे तो ताजा नारियल भी डाल सकते हैं, कच्चा नहीं डालना है, बस 1 मिनट इसे भी रोस्ट कर लेना है। इसे मैं एक प्लेट में निकाल लूंगी और इसी पैन के अंदर मैं डालूंगी 1/4 चम्मच जीरा, 1/2 चम्मच काली मिर्च, थोड़ा सा सौंफ और 2 चुटकी सरसों के दाने। इसे भी हम रोस्ट कर लेंगे। गैस का फ्लेम हम स्लो ही रखेंगे। गैस का फ्लेम मैं बंद करूंगी और इसके अंदर मैं डालूंगी अदरक का टुकड़ा 1/2 इंच और इसी सब चीजों को ठंडा करके और मैं एक पेस्ट बना लूंगी। उसी फ्राई पैन में मैंने 1 से 1.5 चम्मच डाला है कुकिंग ऑयल और इसके अंदर हम डालेंगे भिंडी को। इसको हम 2-3 मिनट तक अच्छे से भुनेंगे ताकि बेसन जो है हमारे अच्छे से क्रिस्प हो जाए और भिंडी के साथ मिलके। भिंडी हमारे अच्छे से क्रिस्प हो गए हैं और बेसन भी बढ़िया से भुन गया है। इसको मैं एक प्लेट में निकाल लूंगी। उसी पैन में मैंने डाला है 2 चम्मच सरसों का तेल और इसके साथ ही तेल के गर्म होते ही मैं डालूंगी इसमें 1/2 चम्मच जीरा। जीरा को हम क्रिकल होने देंगे। जीरा के क्रिकल होते ही मैं डालूंगी इसमें प्याज। मैंने एक बड़े साइज के प्याज को फाइन चॉप किया है, इसे मैं गोल्डन ब्राउन होने तक भूनूंगी। प्याज हमारा भुन गया है और अब हम डालेंगे पेस्ट जो हमने बनाया है। इसमें हमें बहुत ज्यादा मसालों का यूज नहीं करना है, बस काली मिर्च का तीखापन रहेगा। इसमें हमें लाल मिर्च या हरी मिर्च का यूज भी नहीं करना है, हम व्हाइट ग्रेवी में सब्जी बना रहे हैं। इसको हम भूनेंगे अच्छे से। मसाले हमारे अच्छे से भून गए हैं और इस पॉइंट पे मैं डालूंगी इसके अंदर भिंडी और साथ में मैं डालूंगी इसमें छाछ। हम गाढ़ी छाछ बनाएंगे दही का, 1/2 कप दही का वो हम डालेंगे। इसमें दही नहीं डालना है हमें और ना ही पतली छाछ डालना है। इसको हम ढक के 3 से 4 मिनट तक कुक करेंगे। यकीन मानिए फ्रेंड्स, हमारी ये सब्जी इतनी यम्मी बनती है ना कि आप इसे बार बार बनाना चाहेंगे। इसे ढक देंगे हम और मीडियम फ्लेम पे हम इसे 3-4 मिनट तक कुक करेंगे। इसमें डालेंगे नमक और गरम मसाला, ये मैं डालना भूल गई थी। इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे, इसे ढक देंगे। 4-5 मिनट हो गया है, बीच में मैंने एक बार सब्जी को चला दिया था। हमारी सब्जी काफी सॉफ्ट और जूसी हो गई है। इस पॉइंट पे मैं डालूंगी थोड़ा सा कसूरी मेथी
का फ्लेवर इसमें बहुत ही अच्छा आता है। गैस का फ्लेम हम बंद करेंगे और सब्जी को हम सर्व करेंगे। देखिए कितनी यम्मी बनी है, कितनी यम्मी लग रही है ना, पूरे घर में इसकी खुशबू फैल गई है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। चलिए अब इसे सर्व करते हैं। ये देखिए सब्जी की ग्रेवी कितनी औसम बनी है। आप इस रेसिपी को एक बार जरूर ट्राई करिएगा, देखना आप उंगलियां चाटते रह जाएंगे। ये नए तरीके की भिंडी आप जरूर बनाइए। इस सब्जी को आप रोटी, पराठा, चावल किसी भी चीज़ के साथ सर्व कर सकते हैं। ये वाइट ग्रेवी में है तो ये देखने में भी काफ़ी अच्छी लगती है और खाने में भी। आप इनको छोटी मोटी पार्टी में भी बना सकते हैं। आपको ये रेसिपी कैसी लगी मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइए। और फिर हम आगे मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। थैंक यू।